What do you guys think about it? Boruto's new chapter spoiler. जो हुआ, कसम से बोल रहा हूँ, तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने अभी One Piece की 3 वाली वीडियो रिकॉर्ड की कि हाँ अपलोड करूंगा, बट सडनली मैंने Boruto का अपडेट चेक किया और स्पॉयलर्स जो आया न्यू चैप्टर के स्पॉयलर देख के मेरा हो गया। अब लास्ट वाले चैप्टर को हम लोग बोल रहे थे आज तक का सबसे जितना मैंने देखा है मित्सुकी और ये सब उनके आगे पीछे जाने वाले, तो देखते क्या होता है चैप्टर। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, दिस Boruto चैप्टर 79 इज सो फकिंग इंपॉर्टेंट। Boruto के राइटर को पहले एक सल्यूट देना चाहिए भाई, पूरे एक चैप्टर के अंदर पूरे गेम को चेंज कर दिया। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट वाले चैप्टर के बाद, हाँ कवाकी चला गया, कवाकी के ढूंढेगा, फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मित्सुकी वर्सेस कवाकी वाला फाइट जिसकी Boruto ने एक फ्यूचर की झलक देखी थी, बट नहीं हुआ वैसा। ये चैप्टर हमारी सोच के बाहर चली गई, जो हुआ सब कुछ भूल गए। जो चैप्टर 79 इसका बस ये वाला पैनल देख ले, देख के क्या लग रहा है, पूरे कोनोहा एक साइड पे और Boruto एक साइड पे। फक ऑफ डूड, एंड हाउ डिड इट हैपन, एक चैप्टर में ये कैसे होगा? सब लोग तो एक साथ थे, Boruto, Sasuke, सारादा, मित्सुकी, हमारा शिकमारू, बट सडनली एक चैप्टर में ऐसा क्या होगा कि अभी मोमोशी क्या होगा, वो एक साइड पे आ गया एंड Boruto अकेले एक साइड पे। तो लास्ट वाले चैप्टर के बाद सारे के सारे बंदे मिलकर कवाकी को ढूंढ रहे थे, बिकॉज यार कवाकी ने कांड कर ही गया वैसा, होकागे को गायब कर दिया। ऊपर से शिकमारू हैज डिप्लॉयड शिनोबी टू सर्च कवाकी ब्रो, कवाकी अभी भी कोशिश कर रहा है चक्र को इरेज करने की ताकि उसको कोई ना ढूंढ पाए। कवाकी के पीछे भागते हुए गए और Boruto वहां पर सारादा को बोलता है उसके पीछे जाने के लिए, बिकॉज़ वी ऑल नो Boruto केयर्स फॉर मित्सुकी यार। और यहां पर तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कवाकी इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ चक्र और वो कितने देर तक भागता रहेगा। पर इन सबके बीच में बढ़िया ट्विस्ट है हमारे एडा ने, एडा की पावर तुम लोगों को ऑलरेडी पता है सेंडिंगन, सब कुछ दूर दूर से देख सकते, वो दूर से देख के कवाकी के पास चली जाती है। उसके बाद हमारी एडा एकदम से कवाकी को ढूंढ लेती है, ढूंढने के बाद क्या बोलती है पता है, कवाकी मैं तेरे साइड पे हूं, आई एम ऑन योर साइड, कोनोहा सही हो कोनोहा गलत हो आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। और ये हमको भी पता है एडा फील्स फॉर कवाकी, एडा केयर्स फॉर कवाकी, तो इंडियन वो कवाकी के सपोर्ट में रहने वाली है। और यही हुआ मेरे भाई, कवाकी नॉर्मली ऐसे कभी एडा से बातचीत नहीं करता, बट आई डोंट नो कवाकी के दिमाग में क्या, कवाकी बोलना स्टार्ट कर दिया कि वो Naruto को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो लिटरली बोलता है कि वो Boruto के प्लेस में रहना चाहता है और Boruto को एक आउटसाइडर बनाना चाहता है। डूड ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। ये पैनल देखने के बाद मेरा दिमाग फट गया, हम में से किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि कवाकी कुछ ऐसा बोलने वाला है ब्रो, वो भी एडा को, वो एडा से ठीक से बातचीत भी नहीं करता है एंड उसको अच्छे से पता है वो एडा से बातचीत करेगा तो एडा उसकी हेल्प जरूर करेगी, मतलब बिना पूछे खोल के दे देती है। एंड पूरे Boruto चैप्टर के अंदर दिस इज वेयर इट गेट इंटरेस्टिंग ब्रो, एडा यूज्ड हर फुल पावर टू रीराइट द हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री को फिर से लिखने के लिए एडा ने अपनी फुल पावर यूज करी भाई, दैट वाज इनसेन भाई, इट केम आउट ऑफ नोवेयर। और अकॉर्डिंग टू मोमोशिकी ये जो एडा की फुल पावर है ना जो उसने यूज किया, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ एन ऑलमाइटी गॉड। ना डूड अगर कोई Boruto मांगा रीड कर रहा है वो डिनाई नहीं कर सकता है कि Boruto मांगा एकदम पिक पे है और अभी तक टाइम स्किप भी नहीं आया। फिर उसके बाद एडा ने अपना फुल पावर यूज करके हिस्ट्री को फिर से लिखा है। डूड एडा हैज रिवर्स Boruto एंड कवाकीस लाइफ, Boruto की लाइफ यहाँ पर आ गई, कवाकी की लाइफ यहाँ पर आ गई, आपस में रिवर्स कर दिया जो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, Boruto के राइटर ने माइंड फक करके रखा है। तो अभी यहाँ पर एडा ने Boruto एंड व्हाट द फक कवाकी के लाइफ को रिवर्स कर दिया, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो Boruto इज नाउ एन एनिमी ऑफ कोनोहा ब्रो, जिसने होकागे को मार दिया, तुम समझ रहे हो। आई नो दिस चैप्टर इज गोना ट्रेंड एवरीवेयर बट डीप डाउन मेरे को Boruto के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है यार। मैं तो खुश मैं चारों मर जाए, उसने कुछ नहीं किया भाई, ऊपर से उसका जो बाप है Naruto उसको गायब कर दिया गया, उसको कैसा लग रहा होगा थोड़ा समझो, Hinata को भी गायब कर दिया, स्टिल वो कवाकी को रोकने के लिए गया, बट अभी मामला कुछ ऐसा हो गया सारे ब्लेम Boruto के ऊपर आ गया एंड पूरे कोनोहा एक साइड पे आ गया एंड Boruto अकेले एक साइड पे आ गया। डूड ये फ्रेम तुम एनिमेशन में देखने वाले हो, तुम समझ रहे हो। आई नो मैन आई एग्री, हाँ समटाइम मैं खुद भाई Boruto को ट्रॉल करता हूँ, बट इस वाली जगह पे यार मेरा दिल टूट गया, इट्स टू मच वेट फॉर Boruto टू कैरी एट दिस एज। अभी नाउ इज Boruto इज कोनोहा'स एनिमी एंड ऑन द अदर हैंड कवाकी इज नाउ कवाकी उज़ुमाकी। डैम ब्रो इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन, यार राइटर ने यहाँ पर इतना स्मूथली भाई इतनी गंदी पावर है एडा के पास, एक सेकंड अगर हिस्ट्री को रीराइट कर सकते हैं मतलब Kurama भी वापस आ सकता है, काम किया ना चुम्मा मेरे भाई। ये एकदम से बढ़िया तरीके से फोरशैडो किया, हमारा जो इंद्रा है उस साइड से देखो तो एकदम 110% मिल गया, उसके साथ साथ हमारा जो Sasuke है गांव से चला गया था बहुत ही कम उम्र में, सारे कोनोहा एक साइड पे थे Sasuke अलग साइड पे, तो ना हर जगह से इट्स 10/10 परफेक्टली मैच। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोमोशिकी प्रोफेसी, हो गई सच, यू विल लॉस एवरीथिंग Boruto, अब और कुछ बचा नहीं है, बचा ही नहीं है, उसको नहीं पहचानता है। Boruto has finally lost every single thing, सब कुछ खो दिया, मोमोशिकी की जो प्रोफेसी है वो सच हो गई भाई, पूरा अकेला पड़ गया बंदा, आगे पीछे ऊपर नीचे उसके साथ कोई नहीं है। एडा की ट्रू पावर क्या है, फैसिनेशन एंचेंटमेंट, और जब कवाकी ने एक्चुअली में एडा को बोला कि वो एक्चुअली क्या चाहता है तब भी जाके एडा की पावर एक्टिवेट हो गई, एडा ने सारे के सारे लोगों के मेमोरीज को मैनिपुलेट कर दिया चक्र के थ्रू। अभी फिलहाल Mitsuki is attacking Boruto, फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है कि सारादा जो है ना इससे यू नो अफेक्ट
नहीं हुई, बट फॉर नाउ फॉर बोरुटो ही इज नाउ मिलियन आउटसाइडर। इतना स्पॉइलर हमारे सामने आया नया चैप्टर का, हम लोगों को यही पता चला। यहाँ पर ये बात हम लोग ऑलरेडी पता था बोरुटो रॉक निंजा बनेगा, बट हम लोगों को कभी ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, हम लोगों को लेकर सासुके को मार देगा या फिर भाई ऐसे कुरामा भी आ सकता है भाई, किसी को मार देगा, फिर ब्लेम आएगा, फिर जाके कुछ ऐसा होगा। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि अगले चैप्टर में उसको लाइक ऐसा बना दिया जाएगा। बोरुटो ट्रेन करेगा, जोगन अनलॉक करेगा, बोरुटो को कैसे कौन ट्रेन करने वाला है उसके ऊपर अलग वीडियो में बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट। ऑब्वियस है मोमोशिकी ट्रेन करेगा, क्या मतलब वो भी ट्रेन कर सकता है, सस्ता ओत्सुत्सुकी अपना क्या नाम है उसका, ओरोचिमारू। पूरी चैप्टर आ रही है 2-3 दिन के अंदर, उसकी रिव्यू तो आएगी भाई। और इसके बाद से जो तुम्हारे दिमाग में जो न्यू थ्योरीज आ रहे हैं बहुत सारे, ढेर सारे थ्योरीज ना डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर शेयर करो, बिकॉज तुम्हारे थ्योरीज मेरी थ्योरीज और बाकी सारे चीजें मिला के मैं वीडियो बनाऊंगा, और ऑफकोर्स थ्योरी वाली वीडियो में तुमको क्रेडिट भी मिलने वाली है। तो मेक श्योर तुम अपना खुद का थ्योरी नीचे दिए गए लिंक पे शेयर कर रहे हो ब्रो। आज वाले वीडियो में इतना ही, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू रियली डिड मेक श्योर टू लीव अ लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के पास में जो घंटा होता है ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।